हाय, मैं हूँ अमृता और हेलो सीरीज के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रिकैप बताया जाता है जहाँ पे जॉन और मैकी उस एक दूसरे दुनिया में गए थे और उन्होंने वहाँ पर उस रिंग को देखा था जो कि बहुत ही ताकतवर वेपन है और जो भी ये वेपन हासिल करेगा वो पूरे यूनिवर्स पे कंट्रोल कर सकता है और इसीलिए कोविनेंट एलियन इसके पीछे है। एपिसोड 8 की शुरुआत जॉन और मैकी को हम देखते हैं। जब से उन्होंने हेलो इस रिंग के अंदर पल बिताए थे तब से दोनों एक दूसरे को ही बार बार याद करके मुस्कुरा रहे थे, शायद एक दूसरे को वो पसंद भी करने लगे हैं। इसीलिए जॉन रेडी होकर मैकी से मिलने जाता है और उसे यूएनएससी के हेडक्वार्टर के बाहर घुमाने लेके आता है। यहाँ पे मैकी बचपन से लेके अभी पहली बार खुले आसमान में घूम रही होती है। आसपास की सारी चीजें देखकर वो काफी खुश होती है और जॉन को बताती है कि मैं छोटी थी तब से ये सारी चीजें देखना चाहती थी और उसे अपने बचपन के दोस्त डेड के बारे में बताते हुए उस किताब के बारे में बताती है जो उसने पढ़ी थी। यहाँ पर इन दोनों के ऊपर नजर रखी जा रही है। जॉन फिर मैकी को वहाँ से कुछ दूर लेकर आता है और मैकी से कहता है कि मैंने तुम्हें उस रिंग के अंदर देखा था। मैकी कहती है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें देखा और ऐसे लग रहा है हम दोनों मानो कनेक्टेड है। फिर जॉन पूछता है कि उस रिंग में ऐसा क्या है जो कोविनेंट एलियन को चाहिए और तब मैकी कहती है कि ऐसी एक भविष्यवाणी हुई है कि जब आसमान में सितारे कांच की तरह चमकेंगे तब यूनिवर्स में एक ऐसी शक्ति आएगी और उस शक्ति से जो भी काबिल लोग है वो उस सेक्रेट रिंग को हासिल करेंगे और जिसके पास भी उस रिंग की पावर आएगी वो दुनिया पर राज करेगा और इसीलिए कोविनेंट एलियन को वहां तक जाना है। जॉन पूछता है कि अगर एलियन वहाँ पे पहुँचे तो इंसानों का क्या होगा। तो मैकी कहती है कि इंसान नहीं रहेंगे, वो उन्हें मार देंगे। अब ये सारी चीजें सुनकर जॉन कहता है कि देखो, मुझे पता है कि इंसान अच्छे नहीं है लेकिन मैंने जितनी भी बचपन की यादें देखी है वो काफी अच्छी है। मेरे माता पिता अच्छे थे, हम इंसानों में प्यार और उम्मीद जगा सकते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा रखो। और मैकी भी उसकी बात मानती है। अब यहाँ पे हमने एक बात नोटिस करते हैं कि जैसे ही लास्ट पार्ट में दोनों उस जगह पे गए थे उस चीज के बाद जॉन की हालत पूरी इम्प्रूव हो गई थी। तो यहाँ दूसरी जगह डॉक्टर कैथरीन अभी भी अपने घर से जॉन की हर एक चीज को ट्रैक कर रही होती है। लेकिन तभी हम हेडक्वार्टर में एडमिरल और कैप्टन जेकब को देखते हैं जो इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। यहाँ पे एडमिरल गुस्से में कहती है कि यहाँ पे एक रैली एलियन उठाकर लेके गए हैं और जॉन उस लड़की के साथ चने के खेत में घूम रहा है। अगर पहला वाला जॉन होता तो इस लड़की को तो अभी तक मार दिया होता। लेकिन कैप्टन जेकब उन्हें समझाता है। अब यहाँ नीचे जॉन और मैकी बात कर रहे होते हैं। तब मैकी उसे बताती है कि देखो, तुम्हें अगर एलियन का लोकेशन चाहिए तो मुझे एक बार उस रैली को टच करने दो, इस रैली से हम दूसरे रैली का लोकेशन ढूंढ सकते हैं। कि तभी जॉन को दो सोल्जर बुलाने के लिए आते हैं और इमरजेंसी के चलते कंट्रोल रूम में भाग के आता है। दरअसल कोविनेंट एलियन जिन्होंने वो रेलिक चुराया था और वापस अपने प्लैनेट पे जब जा रहे थे तभी रास्ते में पड़ने वाले दो प्लैनेट को उन्होंने सीधा तबाह कर दिया था जिसके चलते उस प्लैनेट पे रहने वाले 11 मिलियन लोग मर गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे काम करने वाले लोगों का परिवार भी उस प्लैनेट पर थे जो कि अब मारे गए थे। अब गुस्से में एडमिरल कहती है कि हमें इन पर हमला करना चाहिए क्योंकि अगर इन्हें पता चला कि दूसरा रेलिक यहाँ पे है तो हमारे पूरे प्लैनेट की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तभी जॉन एक प्लान देता है और कहता है कि अगर मैकी उस कीस्टोन को टच करती है तो वो हमें उस दूसरे कीस्टोन का और कोविनेंट एलियन का लोकेशन बता सकती है क्योंकि जॉन के लिए ये करना काफी मुश्किल हो रहा था, शायद मैकी कर सकती थी। अब एडमिरल पहले तो मना करते लेकिन काफी बहस के बाद मान जाती है एक शर्त पे कि जब भी वो रेलिक को टच करेगी तब ये सारी चीजें मिरांडा के निगरानी में ही करना होगा। अब ये लोग दोपहर के 2 बजे इस टेस्टिंग का टाइम फाइनलाइज करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब जॉन ने रेलिक को टच किया था पूरे यूएनएससी की लाइट ही चली गई थी, इसलिए टेस्टिंग के पहले इन्हें पूरा सिस्टम का बैकअप लेना था। यहाँ दूसरी जगह वेनेक और रीज ट्रेनिंग के लिए मिलते हैं लेकिन उनके साथ काई नहीं होती। तो यहाँ हम देखते हैं काई बाकी सोल्जर्स के साथ एक बेट लगाकर मजे कर रही थी। दरअसल वो एक गाड़ी और उसके ऊपर 3 लोगों को खींच रही होती है और ये देख हमें समझ आता है कि सच में एक स्पार्टन कितना ताकतवर होता है जो पूरा गाड़ी को उठा सकता है। तो यहाँ
मिरांडा अभी भी उस रिकॉर्डिंग पे काम कर रही होती है जो उसे उसी स्पेसशिप से मिली थी। तो यहाँ जॉन को देखते हैं जो मैकी से मिलने के लिए आता है। उसने उसके लिए गिफ्ट लाया होता है, वही किताब जो मैकी ने बचपन में पढ़ी थी। इसे देखकर मैकी काफी खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। तो जॉन उसे कहता है कि तुम आप उस कीस्टोन के पास जा सकती हो ताकि उसे टच करके तुम हमें कोविनेंट एलियन की लोकेशन बता सको। तो मैकी पूछती है कि क्या अब सबको मुझ पे यकीन आ गया है। तो जॉन कहता है कि नहीं, पर सभी लोग मुझ पे यकीन करते हैं और मैं तुम पर। जॉन की ये बात सुनकर मैकी काफी इमोशनल होती है, इसलिए जॉन उसे किस करता है। फिर ये दोनों भी एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। वही कोटाना इन दोनों को भी करीब आते हुए देख लेती है क्योंकि वो जॉन के दिमाग से कनेक्टेड है और कोटाना को इन्हें ऐसा देख काफी बुरा लगता है। दरअसल कोटाना सेल्फ लर्निंग मशीन है और उसमें अब इमोशन आ गए है और कहीं ना कहीं वो जॉन को पसंद कर रही है। तो यहाँ डॉक्टर कैथरीन भी जब जॉन के हार्मोन चेक करती है तब उसे पता चल जाता है कि ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और वो भी काफी सरप्राइज होती है कि जॉन की इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड भी बन गई, क्योंकि कैथरीन को लग रहा था कि सिर्फ वही जॉन के करीब है और जॉन सिर्फ उसी पर विश्वास रखता है। खैर यहाँ पे कोर्टाना के थ्रू कैथरीन को समझ आता है कि ये लोग 2 बजे उस रैली के वापस टेस्टिंग करने वाले है और इस बार जॉन के बजाय मैकी उसे टच करने वाली है। इसीलिए कैथरीन भी 2 बजने का काफी वेट कर रही थी क्योंकि उसका अपना अलग ही प्लान होता है रेलिक के साथ कुछ गड़बड़ करने का। अब यहाँ थोड़े समय के बाद देखते जॉन सोया हुआ है और तभी मैकी जाकर अपने उंगली से उस लेजर ब्लेड को निकाल देती है। यानी ये देखकर हमें समझ आता है कि वो जॉन को सच में पसंद करने लगी है, इंसानों की मदद करना चाहती है। दूसरी जगह कैप्टन जेकब अपने वाइफ यानी डॉक्टर कैथरीन से मिलने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं कि एडमिरल चाहती है कि तुम इस प्लैनेट से 12 बजे ही निकल जाओ। पर यह सुनकर कैथरीन को गुस्सा आता है और पूछती है कि ऐसा क्यों। तो वो कहते हैं कि एडमिरल तुम पे भरोसा नहीं करती और उसे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करोगी। अब इन दोनों की भी काफी बहस शुरू होती है और गुस्से में जेकब वहां से निकल जाते हैं। अब जैसे कि हमें पता है ये कैथरीन बहुत ही चालाक औरत है, इसीलिए अब वो वही कॉन्टैक्ट लेंस निकालती है जिसे उसने मिरांडा के रेटिना से बनाया होता है और उसके लैब में सीधा हैक करती है और एक होलोग्राम के जरिए मैकी से कॉन्टैक्ट करती है और कहती है कि मैं डॉक्टर कैथरीन हौजे हूँ, तुम मुझे नहीं जानती लेकिन जॉन जानता है। जब जॉन 6 साल का था तब से मैं उसका ख्याल रख रही हूँ और मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ यही बताने के लिए आई हूँ कि तुम और जॉन दोनों भी काफी खतरे में हो, क्योंकि अगर कीस्टोन की मदद से इंसानों को वो सेक्रेट रिंग यानी हेलो मिल गया तो UNSC उसके इस्तेमाल से सारी जगह तबाही फैलाएंगे और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ही हेलो इस वेपन को कंट्रोल करो और किसी को भी मत दो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन मैकी उसकी सारी बातें सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाती है और उसे जाने के लिए कहती है। कैथरीन कहती है मेरा जॉन के साथ वैसा कनेक्शन नहीं है जैसे तुम्हारा है, इसीलिए तुम उसे कन्विंस करके वो रेलिक लेकर मेरे स्पेसशिप में आना, मैं तुम्हें सुरक्षित रखकर यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। अब ये सुनते ही मैकी समझ जाती है कि ये मैड साइंटिस्ट है जिसे हेलो की पावर चाहिए, उसे ना तो जॉन की पड़ी है ना मैकी की, इसीलिए वो सीधा कनेक्शन बंद कर देती है। अब ये प्लान फेल होने के बाद भी कैथरीन रुकती नहीं है, वो प्लान बी शुरू करती है। अब वो बाकी स्पार्टन यानी काई, वेनेक और रिस को सीक्रेटली कॉन्टेक्ट करती है और कहती है कि कीस्टोन की वजह से UNSC के सारे सीनियर्स और वहाँ के लीडर बहक गए हैं जैसे जॉन बहक गया था और इसीलिए मैं जेड प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर रही हूँ। अब तुम लोग सिर्फ मेरे ही ऑर्डर मानोगे और तुम्हारा मिशन यह है कि तुम्हें जॉन, मैकी और उस कीस्टोन को लेकर 12 बजने से पहले मेरे स्पेसशिप में आना होगा। हम देखते हैं कैथरीन अब अपने स्पेसशिप में होती है, उसके साथ अरुण और कोर्टाना भी होती है और तभी काई डॉक्टर कैथरीन से कहती है कि हम लोग जॉन के साथ नहीं लड़ सकते। ये सुनकर कैथरीन समझ जाती है कि काई भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, इसीलिए वो उसे डिस्कनेक्ट करके वेनेक और रैज इन्हें सीक्रेटली काई को बेहोश करने का ऑर्डर देती है। और हम देखते हैं ये तीनों भी जब जा रहे होते हैं तब काई इन्हें समझाती है कि हम जॉन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तभी वेनेक उसे सीधा मार देता है और एक सीक्रेट जगह बेहोश करके बांध देता है। अब यहाँ हम कोर्टाना को देखते हैं जो डॉक्टर कैथरीन से पूछती है कि आप अभी जॉन के साथ क्या करने वाली हो। तो कैथरीन कहती है कि एक बार मैकी हमारे पास आ गई तो हमें कीस्टोन को एक्टिवेट करने के लिए जॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जॉन मेरे कोई काम का नहीं होगा, इसीलिए तुम जॉन को अपने पूरे कंट्रोल में ले सकती हो जैसे तुम हमेशा चाहती थी। जॉन
इंसानों में सबसे पावरफुल और ताकतवर बींग है, और अगर तुम उसके साथ जुड़ जाती हो तो सोचो तुम क्या क्या कर सकती हो। लेकिन कोर्टाना ये सुन के बहुत ही डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि उसे ये सही नहीं लग रहा था और वो जॉन की मदद करना चाहती थी, ना कि उसके खिलाफ जाना। जिसके बाद अगले सीन में हम जॉन और मैगी को देखते हैं जो उसे टेस्टिंग के लिए जा रहे होते हैं, और कैथरीन इन्हें मॉनिटर करके वेनैक और रिस को बताती है कि वो लोग कहाँ पर है और कहाँ उन्हें मार सकते हैं। अब यहाँ पे मैगी जॉन से पूछती है कि अगर हमें हेलो ये वेपन मिल गया तो तुम सबसे पहले क्या करोगे। तो जॉन कहता है कि उसके इस्तेमाल से हम कोविनेंट एलियन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, लेकिन उसके बाद उस वेपन का क्या करना है ये हमें नहीं पता। ये सुन के मैगी थोड़ा परेशान हो जाती है। तो यहाँ दूसरी जगह हम देखते हैं जॉन जैसे ही लिफ्ट से निकलता है, कैथरीन इन दोनों को भी रेडी करती है और एक दरवाजे के पीछे ये दोनों छुपकर जॉन का इंतजार करने लगते हैं, ताकि सही समय पे कोर्टाना जॉन को बेहोश करे और इन्हें शिप तक लेकर आए। लेकिन कोर्टाना को ये सारी चीजें सही नहीं लगती और वो सीधा कैथरीन के सारे कनेक्शन को बंद कर देती है और वहां से गायब हो जाती है। डॉक्टर कैथरीन हैरान हो जाती है कि उसका ही बनाया हुआ एआई उसे धोखा दे रहा है। वही अर्जुन काफी ज्यादा पैनिक होने लगता है। अब यहाँ कोर्टाना जॉन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे जाने कहता है, लेकिन गुस्से में कोर्टाना उसे स्टॉप कराती है और कहती है कि डॉक्टर कैथरीन ने तुम्हें पकड़ने के लिए वेनैक और रिस को भेजा है, तुम जैसे ही यहाँ से मुड़ के दरवाजा खोलोगे वो तुम पे हमला करेंगे। अब ये सुनने के बाद जॉन मैगी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो खुद आगे बढ़ता है और वेनैक और रिस को बुलाता है और इन तीनों की भी लड़ाई शुरू होने लगती है। तो यहाँ काई को देखते है, जैसे ही उसे होश आता है वो पैरों से ऊपर के पिलर को जोर जोर से तोड़ने लगती है। ऊपर का पिलर टूटते ही काई वहाँ से निकल कर सीधा यूएनएससी के सोल्जर के पास जाती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि डॉक्टर कैथरीन स्पेसशिप को यहाँ से निकलने नहीं देना है, ये मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद वो खुद जॉन की मदद करने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जहाँ पे वेनैक और रिस की बहुत ही ज्यादा लड़ाई चल रही होती है, और तभी काई वहाँ आकर इन दोनों के साथ लड़ाई में शामिल होती है। अब यहाँ पे मिरांडा टेस्टिंग के लिए निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका कंप्यूटर एलियन के उस रिकॉर्डिंग को क्लियर करके सुनाने लगता है, और पूरा सुनने के बाद उसे समझ आता है कि ये आवाज और कोई नहीं बल्कि मैकी का ही है। यानी मैकी ने ही इनके स्पेसशिप पर हमला किया था और वो दौड़ कर यहाँ पे आने निकलती है। दूसरी तरफ मैकी को एक सोल्जर पकड़ लेता है और बहुत ही बेरहमी से खींचते हुए उसे एडमिरल के पास लेकर आता है। ये लोग उसी रेलिक के पास होते हैं। मैकी इन लोगों से मदद मांगने लगती है कि वहाँ पे जॉन की लड़ाई हो रही है, लेकिन एडमिरल को मैकी के ऊपर भरोसा नहीं होता और वो पूछती है कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो तुम दो स्पार्टन से लड़कर यहाँ कैसे आई। और तभी मैकी कहती है कि जॉन अपने दिमाग में किसी के साथ बात करने लगा था और उसी आवाज ने उसे वार्न किया कि आगे खतरा है, इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अब ये सुनने के बाद एडमिरल समझ जाती है कि कोर्टाना ने ही उसकी मदद की है और इस सब के पीछे कैथरीन है। लेकिन अभी भी ये लोग मैकी को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करते। अब यहाँ मिरांडा भाग कर वहां आती और कहती है कि इस लड़की को रेलिक से दूर करो, इसी ने हमारे स्पेसशिप पर हमला किया था। अब ये सुनने के बाद मैकी गिड़गिड़ाने लगती और कहती है कि नहीं, मुझे करना पड़ा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन तभी वो सोल्जर उसे पीछे खींचता है और बेरहमी से मारते हुए नीचे गिराकर अपने वेपन से उसके पीठ पर शॉक देने लगता है। अब इसके कारण मैकी को वही बचपन के विजन्स आने लगते हैं, जैसे उस टाइम पे भी इंसानों ने उसे शॉक दिया था। मैकी गिड़गिड़ाने लगती है कि बस करो, ऐसा मत करो, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। और तभी उसे कैथरीन की भी बात याद आती है कि इंसान कभी भी नहीं सुधरेंगे, वो निर्दयी होते हैं, और उसे काफी गुस्सा आने लगता है और देखते ही देखते सीधा कीस्टोन के ऊपर टच करती है, जिसके कारण बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग दूर गिर जाते हैं। जबकि वो गार्ड जिसने मैकी के ऊपर हमला किया था उसका पूरा शरीर जल जाता है। वही इधर मैकी के कीस्टोन को टच करने के कारण मैकी और जॉन एक बार वापस से हेलो इस वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पे मैकी जॉन को कहती है कि मैं इंसानों पे भरोसा नहीं कर सकती, और वो उसे गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाती है। और यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नाइन्थ और आखिरी एपिसोड जल्दी ही आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।